को सीधा जापान के ओसाका लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और वाराणसी प्रधान आवेश को, मेरे मित्र को ले जाने का सौभाग्य मुझे मिला। प्रधानमंत्री आबे मेरे संसदीय क्षेत्र और दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी में से एक काशी में गंगा आरती में भी शामिल हुए और सिर्फ शामिल हुए नहीं, उनको जब भी जहां पर कुछ भी बोलने का मौका आया उस आरती के समय उन्होंने जो अध्यात्म की अनुभूति की उसका जिक्र किए बिना वो रहे नहीं, आज भी उसका उल्लेख करते हैं। उनकी ये तस्वीरें भी हर भारतीय के मन में बस गई है। साथियों, बीते 6 दशकों से अधिक समय में भारत की विकास यात्रा में जापान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 21वीं सदी के न्यू इंडिया में ये रोल और मजबूत होने वाला है। 1958 में जापान ने अपना पहला येन लोन भारत को ही स्वीकृत किया था, 1958 में। इसके बाद से ही जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और उन्होंने उत्तम गुणवत्ता के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक समय था जब हम कार बनाने में सहयोग कर रहे थे और आज हम बुलेट ट्रेन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जापान के प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट ने अपनी छाप न छोड़ी हो। इसी प्रकार भारत का टैलेंट और मैन पावर यहां जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। साथियों, न्यू इंडिया में हमारा ये सहयोग और व्यापक होने वाला है। हम आने वाले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।